नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शाहिल। आपने लॉगिन किया है इंडिया समाचार। अगर आपको हमारी टीम की मेहनत पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें और हिम्मत दें। धन्यवाद। चूरू सादुलपुर नगर पालिका में हुई सफाई कर्मी भर्ती को लेकर अब वाल्मीकि समाज सड़कों पर उतर आया है। वहीं आज सफाई कर्मचारियों ने नगर पालिका से जुलूस निकालते हुए मिनी सचिवालय तक पहुंचे, जहां पर मिनी सचिवालय के आगे जाम लगाकर हाथों में झाड़ू लेकर नगर पालिका व सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। समाज के लोगों ने कहा कि आज राजस्थान में वाल्मीकि समाज बहुत ही दयनीय स्थिति में है, सरकार ने समाज के साथ कटुघात किया है। उन्होंने कहा कि वर्षों से हमारा वाल्मीकि समाज इस काम को करता आया है, लेकिन सरकार ने अन्य जाति को कोटा देकर समाज के साथ एक बड़ा कटुघात किया है। वहीं समाज के लोगों ने सफाई भर्ती में नगर पालिका पर भी भारी धांधली का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नगर पालिका में जो सफाई भर्ती के लिए जो आवेदन आए थे वे 1047 फॉर्म थे, जो बढ़कर 1055 कैसे हो गए। उन्होंने कहा कि हमें अब तक मालूम नहीं कि पात्र व्यक्ति कौन है और अपात्र व्यक्ति कौन है। सफाई कर्मचारियों ने कहा कि जो सफाई भर्ती में अंदर समाज के लोगों को लिया गया है, हमें उनसे कोई विरोध नहीं है, लेकिन जो अदर समाज के लोग सफाई कर्मचारी भर्ती में लगे हैं उनसे सफाई नहीं करवाएं, अन्य कार्यों में लगवाया जाए, जो एक भेदभाव है। उन्होंने कहा कि जल्दी हमारी समस्याओं पर कार्रवाई नहीं हुई तो सफाई व्यवस्था बंद कर हम उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। झंडा ऊंचा कर देंगे और झाड़ू को डाउन करके हड़ताल पर रहेंगे और उनके जो लगे कर्मचारी अदर कास्ट के उनको सफाई पद पर ही कार्य कराया जाए। कोई किसी के ऑफिस में लगा रहा है, किसी के साथ पक्षपात नहीं होगी। और नहीं, इस सरकार ने हमारे साथ बहुत ही बड़ा विश्वासघात किया है। और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे साथ विश्वासघात किया गया तो हम आज के बाद काम बंद कर देंगे सफाई का कार्य, और किसी प्रकार का कोई भी काम नहीं करेगा यह समाज। बीजेपी गवर्नमेंट ने, महारानी की सरकार ने वाल्मीकि समाज के साथ कुठाराघात किया है, और इनके इनमें जो सफाई कर्मचारी की नियुक्ति के अंदर जो भी घपलाबाजी की है और अन्य जाति को पोस्टिंग दिए उनके सफाई का कार्य कराया जाए, हमें कोई दर्द नहीं है। और इनकी पूर्णता जांच करे, अपात्र की सूची लगाए और का नाम जो पात्र है उनकी सूची लगाए, ताकि हर आदमी व्यक्ति को ये पता लगे कि भी पात्र कौन था और अपात्र कौन था। हमें कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे समाज के अदर समाज के लग गए कोई दिक्कत नहीं है, अगर लग गए तो उनको सफाई का कार्य कराया जाए, प्रशासन की ओर से उनको पूरा जोर दे के। और प्रशासन हमारे समाज के साथ दुराभास कर रही है, हमारे समाज के तो सफाई का कार्य करे उनको कहीं इधर उधर लगाने की कोशिश कर रही है, वो हमें ये वाल्मीकि समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। वाल्मीकि समाज के साथ राजस्थान में जो पीड़ा है वाल्मीकि समाज की, आज वो बहुत ही दयनीय पोजिशन में है, क्योंकि कम से कम 21,100 कुछ पदों की भर्ती में 3,000 वाल्मीकि समाज लगे हैं। वो सबसे ज़्यादा गलत काम हुआ है, इस सरकार ने हमारे साथ धोखा किया है, बेईमानी की है। जो हमारा समाज पीढ़ी से जिस काम करता है उस काम को अदर कास्ट के लोगों को उन्होंने कोटेवाइज नौकरी देकर हमारे समाज के साथ बहुत ही बड़ा धोखा किया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजगढ़ नगर पालिका की बात आ गई, हमारे 1,547 फार्म थे और वो 1,047 फार्मों से बढ़कर 1,055 फार्म कैसे हो गए, मैं नगर पालिका अधिशासित अधिकारी ईओ प्रकाशन खिचड़ से पूछना चाहता हूँ कि ये 8 फार्म कहाँ से आए। उसके बाद में जो अपात्र की लिस्ट जारी की है वो हमें पता ही नहीं कि हमारा पात्र फार्म पात्र है या अपात्र, हमें अभी तक कोई जानकारी नहीं है। ये वाल्मीकि समाज का बहुत बड़ा धोखा है, और ये अनुभव प्रधानमंत्री मैं कहना चाहूँगा कि जो ये अदर समाज के लोग लगे हैं उनको अनुभव प्रधानमंत्री उनका आया कहाँ से आया, तो उनके अनुभव प्रधानमंत्री की जाँच होनी चाहिए, पूर्णतया निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। मेरे हाथ जोड़ भी नहीं है, मेरे हाथ 10-20 साल हो गया कच्चा में काम कर रहा, हमारी सुनवाई क्यों को नहीं हुआ है? और जो कभी कच्चा में काम को नहीं करे बिया ने नौकरी मिल रही है, हमारी क्यों नहीं सुनवाई हुआ है? क्यों हमारे बच्चा को नहीं के पीछे हमारी कोई सुनवाई को नहीं हुआ है? कोई ने तो 4 मिल रही है, कोई ने 2 मिल रही है, हमारे घर में कभी एक नौकरी को नहीं आवे, जद भी फार्म भरे जद भी रद्द होया जावे, क्यों के कारण है? मैं बंगी को नहीं गए, मैं पानी आ गए 2012 हमारे फार्मा में क्या कमी है वो हमारा आगे लाओ, हमारे फार्मा में क्या कमी है वो हमारा आगे बता दो, जब तारा रद्द खरिया गया है कर बैठ जावा और मैं क्या करूँ, फार्मा की जांच बताओ बस।